कलिम्पोंग ये कहाँ पे है? ये मुझे लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के आसपास ही है, ये अरुणाचल में है। अच्छा अच्छा व्हाट डिड यू से? हाँ भाई समझ गए, कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी के पास है। तो चलो फिर देख के ही आते हैं कैसी जगह है। दोस्तों उठ गया हूँ, सुबह 5:15 बज रहे हैं और कलिम्पोंग जाना है, तो फटाफट रेडी होके एयरपोर्ट पे मिलते हैं। मुद्दा ये है कि कल मैं अपना पॉडकास्ट देख रहा था रवि के साथ, और मैंने पूछा था कि बेस्ट जगह कौन सी है घूमने के लिए, तो उन्होंने बोला था कि कलिम्पोंग जाना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि वो अरुणाचल में है, तो काफ़ी लोगों का कमेंट आ रखा था कि वो वेस्ट बंगाल में है। तो मैंने सोचा चलो फिर घूम के आते हैं, और अभी मैंने फ्लाइट करा ली है, अब मैं जा रहा हूँ। यार मुझे लगता है इंडिया में जिसने भी ये डिजी यात्रा बनाई है सबसे क्रेजी चीज़ बनाई है, मतलब सारी लाइनों के झंझट ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर बंदा टैक्सी भी बन जाए, मैं 6:08 पे गेट पे एंट्री की है, और मैं आपको बताऊँगा कि मात्र 5 मिनट में मैं सारे गेट और सिक्योरिटी कवर कर लूँगा, जिसको कवर करने के लिए पहले आधा पौना घंटा लगता था। दोस्तों मैंने बोला था 6:08 पे मैंने एंट्री की थी, और अभी 6:17 हो रहे हैं, 9 मिनट में सिक्योरिटी चेक हो चुकी है, सिर्फ 9 मिनट में। मज़ा ही आ गया, मतलब मज़ा तो बहुत बार आ चुका था, व्लॉग में पहली बार आ रहा है। मैं पहले सोच रहा था कि इंस्टा व्लॉग बनाऊँगा, फिर मुझे लगा कि बड़ा व्लॉग बनाने की कोशिश कर लेते हैं, और मज़ेदार बात फिर मैंने रियलाइज़ कि बहुत ही लकी डे है आज ये सब शुरू करने के लिए। 13 तारीख है गाइस, 13 अप्रैल, और जो मेरी सीट का नंबर है वो 13A है। तो अगर ये वीडियो अपलोड हो गया तो सब लकी है, वरना तो ख़त्म, टाटा बाय बाय, ख़त्म टाटा गुड बाय गया। आओ दोस्तों तुम्हें मैं दिखाता हूँ सुबह के नशे कैसे होते हैं। या यहाँ पे इतने सारे ब्रांड हैं, डोमिनोज, बर्गोज, करीम, ब्लू टोकाई, पेपर रोटी, पर मैं हमेशा ढाबे के आगे रुक जाता हूँ, क्योंकि मेरा वो बचपन का ही चलता रहता है कि ढाबे पे जाना है भाई, हाईवे पे जा रहे हैं ढाबे पे जाना है, और यहाँ पे वही परांठे, छोले भटूरे यही सब मिलता है, तो वही हो जाता है सुबह सुबह ऑर्डर। सस्ते नशे हैं भाई, क्या करें, आर्टिस्ट आदमी के सुबह सुबह के नशे यही है। दोस्तों आपने शाम के नशे देखे होंगे, रात के नशे देखे होंगे, ये सुबह 6 बजे के नशे हैं, जो अलग ही किक देते हैं दुनिया में, अलग ही हिट देते हैं एकदम। सुबह के नशे ख़त्म हो गए हैं, अब आराम से फ्लाइट की जा सकती है। तो यार मैं आ गया हूँ अभी बागडोगरा के एयरपोर्ट पे, और यहाँ से आई थिंक 2.5 घंटे का रास्ता है। एक होटल अच्छा सा है मेरे दोस्त का, वहीं जा रहे हैं, बहुत ही सही जगह है फ़ोटो में, तो बाकी पता भी चल जाएगा। और भाई मैंने काफ़ी लोगों को लगता होगा ना, आर्टिस्ट आदमी जब इतना ट्रैवल का इतना, तो सोता कब है, है ना? तो जब मैं तो फ्लाइट में सो जाता हूँ, और फ्लाइट में मतलब मैं भाई कैसे भी करके मैंने आदत डाल ली कि फ़्लाइट में नींद आ जाए, और ये मैंने सीखा था जिवेशु भाई से, जब नया नया मैंने स्टैंड अप शुरू किया था, जिवेशु भाई कॉर्पोरेट में होते थे वो, और वो फ़्लाइट बहुत करते थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो फ़्लाइट में ना 3-4 सेकंड में सो सकते हैं। तो मैंने कहा ये सीखना है, अगर ये सीख लिया तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्लाइट में जो मुझे नींद आती है, ओहो हो भाई मज़ा ही आ जाता है, एकदम फ्रेश फील करता हूँ मैं फ्लाइट में, मतलब सोने के बाद, और जो उसके बाद उठता हूँ ना, हाँ मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हम चलते हैं, देखते हैं कैसा रास्ता है कलिम्पोंग का। अच्छा हाँ, वैसे कल सिलीगुड़ी में शो भी है, तो घूमने भी आया हूँ लेकिन शो भी था, तो मेन शो भी है ये भाई, अलग ही मज़ा होता है ना, छोटे छोटे एयरपोर्ट पर लोग बावले हो जाते हैं गैस से देख के। कौन है ये लोग? एकदम नॉस्टैल्जिया हो जाए, दिल्ली में तो अभी कम होता है ना, बट छोटे शहरों में अभी भी वही चल रहा है। थर दबोचो, ओला उबर गई ऐसी तैसी कराना है, हम डायरेक्टली अपनी ओला उबर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों अभी मुझे पता चला कि वैसे तो बागडोगरा से कलिम्पोंग जाने के लिए 1.5-2 घंटे लगते हैं, लेकिन बीच में अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो पहाड़ों से गिर रहा है काफ़ी कुछ, तो अभी 3.5-4 जितने लगेंगे। और हम रुक रहे हैं ब्लू ऑर्किड प्रीमियम होम स्टे में, तो मैंने उन्हें बोला था कि भाई गाड़ी भेज देना, तो उन्होंने गाड़ी भी भेज दी और बहुत सारा सामान भी भेजा हुआ है, जिसमें एकदम भाई कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, और अभी हम खाने के लिए भी रुक गए हैं मरीना में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है, और मैंने सुना है रूट काफ़ी प्यारा है ऑन द वे। भैया अच्छा है ना रूट, एकदम मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, तो भैया बोल रहे हैं मज़ा आएगा, तो बताते हैं, तो दिखाते रहेंगे कैसा है। तो अभी मुझे सर पिक करने आया है, बेसिकली ये यहीं पर ही मेरे को ब्रेकफास्ट करा के यहाँ से चले जाएंगे। तो सर आप जर्नी के बारे में बता देते, कैसी है जर्नी यहाँ पे यहाँ से कलिम्पोंग जाने की? एक्चुअली जो मेन रास्ता है सर, हाँ, तो अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से बंद हो रखा है। हाँ, तो जिस रूट से आप जाएंगे वेरी ब्यूटीफुल रूट से, अच्छा बहुत सुंदर जगह, आपको बहुत नेचुरल ब्यूटीज देखने को मिलेगा, अच्छा मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अरे वाह, आप भी गए हो सर उस रूट पे? तो पहाड़ शुरू हो गए और अभी हम बागडोगरा से कलिम्पोंग जा रहे हैं, और दो रास्ते हैं जितना मुझे समझ में आया। एक रास्ता बंद है जो छोटा था, और जो बड़े वाला है वो खुला हुआ है। तो बड़े वाले में अप्रॉक्सीमेटली 3.5-4 घंटे लगते हैं, और छोटे वाले में 1.5-2 घंटे लगते हैं, 2.25-2 घंटे। बट जो बड़े वाला रास्ता है ये काफ़ी प्यारा है, तो इसमें पहाड़ भी है, चाय के बगान भी है, बीच में नदी भी पड़ी थी, तो मज़ेदार चीज़ है मतलब। तो दोस्तों अभी हम रुके हैं लावा, हम क्या वैसे मैं ही अकेला, फालतू में हम बोले जा रहा हूँ, सोलो ट्रिप है। और सोलो ट्रिप मुझे लगता है दो टाइप की होती है, एक होती है जिसमें आप बिल्कुल ही बैकपैकर लेके और बाइक पे और बस में बैठ के कहीं भी निकल जाते हो, और दूसरी होती है भाई जिसमें थोड़ा सा मुझे आराम चाहिए होता है, कार हो, अच्छा होटल हो। तो मैं दूसरे वाला सोलो ट्रिप करता हूँ, तो इसमें कार भी मंगवानी पड़ती है और होटल भी अच्छा चाहिए होता है। और अभी हम लोग रुके हैं लावा, एक जगह है जिसके मोबाइल फ़ोन आते थे, और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया। जब बागडोगरा से निकले थे तो मौसम ओकेश था, बट अब हल्की हल्की ठंड लगने लग गई है, और बहुत ही मतलब कोहरा टाइप मिल गया है भाई, तो नॉट अ बैड आइडिया 2 दिन की ट्रिप सोलो ट्रिप में, और मज़ेदार हो रही है, मतलब वैसे बुरी नहीं लग रही मेरे को, अच्छी लग रही है। और अभी रिजॉर्ट पे जाना है, वो भी सर ने भेजी हुई है कार वार, तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि रिजॉर्ट की फ़ोटो तो देखी है मैंने, बहुत ही प्यारा होगा। मैं कह रहा था जिसने भी आई लव वाला कॉन्सेप्ट बनाया है ना, इसने भाई अलग ही गेम चेंज किया हुआ है। जहाँ पे भी आपको लोगों को फ़ोटो खिंचवानी हो उसमें आई लव डाल दो, आई लव इंडियन ऑयल, आई लव इंडिया गेट, आई लव दिल्ली, आई लव सहारनपुर, आई लव लावा, कुछ भी करे तो, और लोग वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाने लग जाते हैं। बहुत ही क्रेजी कॉन्सेप्ट है, बट सही है भाई, मार्केटिंग के लिए बहुत ही अच्छा टूल है। और ठंड लगने लग गई है यार, ठंड हो रही है हल्की हल्की। दोस्तों मीठी सुपारी आपने बहुत खाई होगी, कच्ची सुपारी मिल रही है यहाँ पे, और ये आम पापड़ है, और ये इमली है शायद। दोस्तों ये कलिम्पोंग आ गया है, और यहाँ पे भाई ट्रेंड भी है, ट्रेंड स्टार प्लाजा, ओहो मज़ेदार। तो यहाँ पे अभी फॉग हो चुका है, और अभी 3 ही बजे लेकिन फॉग हो चुका है, तो अच्छी जगह है, इंटरेस्टिंग है यार, मस्त है। मतलब आप बागडोगरा से 4 घंटे में पहुँच गए एकदम पहाड़ों पे, देखो सामने पहाड़ आपको एकदम बराबर में दिख रहे हैं आंखों के सामने, तो बढ़िया जगह है, आप थोड़ा चिल करेंगे मस्त, फिर एकदम कल शो है शाम को, शो करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे रिजॉर्ट में, ब्लू ऑर्किड होम स्टे कलिम्पोंग में,
और बढ़िया जगह है ये। यहाँ का रिवाज होता है जब भी कोई गेस्ट आता है उसे ये पहनाते हो, ये टोपी यहाँ की लोकल काफ़ी फेमस है, सब पहने हुए थे। और आज इनका हैप्पी न्यू ईयर भी है, सबका ही हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है वैसे तो, नया साल आ ही गया जो हिंदू रीति रिवाज है उसके हिसाब से। और बढ़िया जगह है, मतलब आप जो आपका बागडोगरा से 4 घंटे की ड्राइव पे आप सीधा पहुंच गए पहाड़ों में, सामने फॉग हो रहा है। अगर सोलो ट्रिप भी करना चाहो, दोस्तों के साथ करना चाहो, तो मुझे लगता है अच्छी जगह है, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं वो हमेशा हिमाचल और उत्तराखंड से आगे नहीं निकल पाते। बट ये भी एक नई, मतलब नई तो क्या हमें ही नहीं पता, बट अच्छी जगह है अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो, मज़ा आएगा। गाइस ये रूम है, और ये भाई पहाड़ों के रूम अलग ही होते हैं एकदम। और ये मज़ेदार। गाइस अभी यहाँ पे 7 बज रहे हैं और भाई पूरा सन्नाटा हो गया एकदम, अंधेरा और कोई नहीं है, और सामने पहाड़ है घाटी टाइप से कुछ, और सन्नाटा सन्नाटा। और मैं सोचो दुनिया भाई मतलब कितनी अलग हो जाती है। कल 8 बजे हमारा शो शुरू होगा, और दिल्ली में मैंने कितनी बार 12 बजे भी शो किया है, और यहाँ पे अलग दुनिया हो जाती है यार। मतलब 6 बजे दिन ख़त्म, लोग रेस्ट करने चले गए, सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, कितना सही है यार। मतलब अलग ही हो जाता है पूरा, 12 घंटे का डिफरेंस आ जाता है आपके सेम देश में। 2-3 दिन तो बहुत अच्छा लगता है दिल्ली वालों को ऐसी जगह आके, उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा फिर हमारे भी हाथ कांपने लग जाते हैं कि यार मैं पागल हूँ जाना पड़ेगा बैक टू हसल बसल जो होती है शहर की। सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के दोस्तों दूसरा दिन शुरू हो चुका है, और मैं ब्लू ऑर्किड होम स्टे जो कि कैलिम्पोंग में है, और यहाँ से यार दिन का व्यू तो बहुत ही सही है। देखो देखो मस्त एकदम पहाड़ कॉटेज, वैसे तो सारे पहाड़ ऐसे ही होते हैं लेकिन यहाँ पे अच्छा है। यहाँ पे ना वो चहल पहल थोड़ी कम है, शांति ज़्यादा है, तो शांति के लिए अच्छी जगह है, वरना तो अपना हिमाचल भी बढ़िया ही है। और यहाँ से तो व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपने नोटिस किया बंदा जैसे ही शीशे में अपने आप को देखता है ना, ये वाली सांस अपने आप बंदा चली जाती है, और ऐसा हो जाता है कि बंदे के ऐप्स आ गए हैं। ये अपने आप कोई मैजिक है, बट जो भी है अच्छा है। बंदा अगर ऐसे ही रहे तो शायद उसका पेट कम हो जाए।